हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश विज। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.4 बिकॉज वी हैव डिस्कस अप टू द टॉपिक मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो वहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास ये लास्ट टॉपिक रह गया था, फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तो फर्स्टली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वी हैव टू नो अबाउट द लॉन्ग डिवीजन मैथड। दिस रिलेशन वी ऑलरेडी नो दैट दिस इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इन टू क्वोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड को हम पी एक्स नोट करेंगे, डिवाइजर को जी एक्स से, कोशेंट क्यू एक्स एंड रिमाइंडर आर एक्स। दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला विच वी हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। सिंपल हम देखेंगे कि दिस इज द डिवाइजर, वी नो दिस इज डिवाइजर, यहाँ डिविडेंड रखते हैं और डिवाइड करने पर यहाँ कोशेंट बच गया, वॉट एवर द रिमाइंडर वी विल राइट हियर। तो दीज आर द सिंपल टर्म्स विच आर रिलेटेड विद दिस रिलेशन। तो दिस रिलेशन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the further example. The first example I am going to discuss with you, that is divide px. px is a one polynomial and gx is a another polynomial. हमें px को gx से divide करना है, where px and gx are defined. तो first of all यहाँ पर हम check करेंगे px हमें क्या given है, x plus 3x square minus 1. तो firstly we will rearrange it, मतलब highest degree term को आगे ले जाएंगे, फिर उससे कम वाली डिग्री, फिर उससे कम वाली डिग्री। इट मीन्स वी विल अरेंज दीज टर्म्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज एंड द सिमिलरली फॉर द पॉलिनोमियल जी एक्स। इसमें भी हमने क्या करना है, पहले हायर डिग्री रखेंगे, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर एंड सो ऑन, जैसे भी आएगा। नाउ अब दिस इज द डिवाइजर 1 प्लस एक्स, तो वी विल राइट इज एक्स प्लस 1, क्योंकि मैंने अभी बताया फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीअरेंज इट, हमने इसको रीअरेंज कर दिया। और रीअरेंजमेंट में कोई भी साइन चेंज नहीं होते, यहाँ 3x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव था, दिस इज रिमेंस पॉजिटिव एंड x का साइन पॉजिटिव है, तो x रिमेंस पॉजिटिव एज वेल एज माइनस 1 ईयर माइनस 1, नो चेंज इन साइन इन दिस। अब यहाँ पर x प्लस 1, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल चेक दैट द हाइएस्ट डिग्री टर्म ऑफ दैट डिविडेंड। अब इस डिविडेंड का हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, दिस इज 3x स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारी क्या है, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को हम इस साइड में लिख लेंगे, तो 3x स्क्वायर को हमने x से डिवाइड किया, 3x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय x। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म ली और इसकी है, मतलब दोनों पॉलिनोमियल की हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म ली, डिवाइड कर लिया और आंसर क्या आ गया, 3x आ गया। और ये 3x हम कोशेंट में लिख देंगे, दिस इज 3x हमने यहां पर लिख दिया। अब इस 3x कोशेंट का मल्टीप्लाई हम इस डिवाइजर से करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई x से होगा और 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा, सो वी विल राइट अकॉर्डिंगली। तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाली टर्म और x के नीचे हम x वाली टर्म ही लिखेंगे, और दोनों 3x x स्क्वायर आ गया एंड 3x आ गया, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। नाउ अब व्हाट हैपन, अब इसके साइन चेंजेस होंगे, साइन चेंज होंगे दोनों, ये प्लस साइन था इसके पास, अब नेगेटिव हो गया, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी माइनस का साइन। And now, what happened? Now you can see this is 3x square positive and this is 3x square now negative. ये positive है, ये negative है, both will cancel out. You can see, ये term cancel हो गई, अब ये दोनों term हमारे पास, एक positive term है, x is positive and 3x हमारे पास negative है. What happened? Subtraction होगी, हमारे पास subtraction होगी, 3 में से 1 गया, तो 2 बच गया, 2x is left and sign किसका आएगा? 3 का आएगा, because 3 is the greater term. दिस इज माइनस 2x, और जो हमारे पास टर्म बच गई है नेक्स्ट, वो हमने लिख देनी माइनस ऑफ 1, माइनस 2x माइनस ऑफ 1। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमने फिर से देखना है कि हाईएस्ट डिग्री टर्म हमारे पास क्या बची है, हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म बची है माइनस ऑफ 2x, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस ऑफ 2x, माइनस 2x को हम फिर से साइड में लिखेंगे और इस x को, हाईएस्ट डिग्री टर्म x को फिर से डिवाइड करेंगे, माइनस 2x अपॉन ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, माइनस 2 ये हमारा क्वेश्चन पार्ट में जाएगा माइनस 2। अब इस माइनस 2 को मल्टीप्लाई विल मल्टीप्लाई विद द डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 2 आ गया, विल राइट अकॉर्डिंगली हम इसके नीचे x के नीचे x वाली टर्म,
कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म को हम लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज होंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव होगा, ये भी नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, व्हाट हैपन, दिस इज माइनस टू एक्स, दिस इज प्लस टू एक्स, बोथ विल कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल होगा। अब ये टू पॉजिटिव है, वन नेगेटिव है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, आंसर इज वन। तो व्हाट यू हैव सीन, दिस इज द डिवाइजर एंड कोशेंट इज थ्री एक्स माइनस ऑफ टू इज द कोशेंट, एंड what is left here, it is left behind, this is the remainder, so we can say that remainder rx is equals to 1. This is a very simple example through which we have discussed. This rough work will help us to find out the terms of that quotient. So in this way we can divide one polynomial by other polynomial. Some more example I am going to discuss with you, that is in the second example again polynomial px and gx are given, we have to divide this polynomial 3x to power 4 minus 4x cube minus of 3x minus of 1. We have seen here already this is arranged in the descending order of the degree. So you can see this is 3x to power 4, फिर power यहाँ पर 3 होगी, फिर यहाँ power 1 हो गई, फिर यहाँ पर power नहीं है, तो इसका मतलब this is already arranged and this is x minus 1, it is already arranged. Now we know that this is divisor and this is dividend, तो हमने उसकी place पर उसको लिख ली। एंड नाउ फिर से हमें वही करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म को फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म इसमें हमारे पास 3x टू पावर 4 और डिवाइजर में हाईएस्ट डिग्री टर्म x, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3x टू पावर 4 अपॉन fx इक्वल्स टू 3x क्यूब आ गया। अब ये 3x क्यूब किसका पार्ट है, ये कोशेंट का पार्ट है, हम कोशेंट भी लिख देंगे, दिस इज 3x क्यूब। अब ये 3x क्यूब का मल्टीप्लाई किससे होगा, x से एंड माइनस 1 से, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई किया, दिस इज 3x टू पावर 4 एंड दिस इज माइनस ऑफ 3x क्यूब आ गया। अब हमें पता है अगले स्टेप में साइन चेंज हो गया, एंड इसका साइन नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इसका पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो रहे हैं, तो यू कैन सी हियर पॉजिटिव चेंजेस टू नेगेटिव एंड नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव साइन, साइन चेंज हो गए, एंड नाउ यू कैन सी दीज टू टर्म्स आर सेम, ये दोनों टर्म सेम है, तो व्हाट हैपन, इट विल कैंसिल आउट, कैंसिल हो गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब इज लेफ्ट, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास नहीं है, ओनली माइनस ऑफ 3x है माइनस ऑफ 1, तो मैंने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले के लिए प्लेस छोड़, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म है फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर हमारे पास नहीं है, इसलिए वो प्लेस मैंने थोड़ी सी छोड़ दी, उसको थोड़ा सा हमने साइड कर दिया, माइनस 3x माइनस ऑफ 1 लिख दिया। अब इसकी हाइएस्ट डिग्री टर्म आपको आप देखोगे, हाइएस्ट डिग्री टर्म कितनी आ गई, माइनस ऑफ 3x क्यूब आ गई, और यहाँ पर हाइएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स, फिर अगेन विल डिवाइड इन साइड, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ऑफ एक्स, आंसर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर किसका पार्ट है, कोशेंट का पार्ट है, तो हम कोशेंट में इसको लिख देंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर अब इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स स्क्वायर आ गया है और यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब के नीचे आ गया, और इसीलिए हमने यहाँ पर प्लेस छोड़ी थी, क्योंकि हम उसको एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख सके, क्योंकि एक्स के नीचे हम एक्स स्क्वायर को नहीं लिख सकते, बिकॉज लाइक टर्म ही एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं और ये दोनों लाइक टर्म नहीं बनती, इसीलिए 3x को साइड पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब अगेन द सेम स्टेप रिपीट होंगे, साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर दिया हमने, एंड देन यू कैन सी दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स क्यूब, बोथ विल कैंसिल आउट, अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, हम नेगेटिव साइन के साथ इसको नीचे लिख लेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, अगेन द हाइएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब हियर नाउ, अब माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म है, यहाँ पर x हमारी हाईएस्ट डिग्री टर्म है, नाउ डिवाइड इन साइड वी विल गेट माइनस ऑफ x, एंड दिस माइनस ऑफ x इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन पे लिख दिया। अब ये क्वेश्चन माइनस x का मल्टीप्लाई x से एंड माइनस ऑफ 1 से कर देंगे, एंड राइट डाउन अकॉर्डिंगली, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म को, एंड नाउ सीन द साइन चेंज कर दिए, नाउ यू कैन सी दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव बोथ विल कैंसल आउट, एंड दिस इज माइनस ऑफ हो रहा है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव आ गए, अगर दोनों नेगेटिव है दोनों ऐड हो जाएंगे, दिस इज माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 1 इज लेफ्ट। नाउ अगेन यू कैन सी हाईएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस ऑफ 4x, अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री टर्म x माइनस ऑफ 4x इज डिवाइडेड बाई x, देन दिस इज माइनस 4, अब माइनस 4 किसका पार्ट है, अगेन कोशेंट का पार्ट है, कोशेंट में हमने लिख दिया, अब ये माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइजर, डिवाइजर से मल्टीप्लाई जाएगा, एंड वी विल राइट हियर। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से साइन चेंज होंगे, साइन चेंज हो गए, नाउ माइनस 4x एंड प्लस 4x विल कैंसिल आउट, एंड दीज टू बोथ माइनस एंड माइनस 4 विल एडेड एंड गिव माइनस ऑफ 5,
सो वॉट इज लेफ्ट हियर, माइनस फाइव माइनस फाइव। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों नहीं डिवाइड हो सकता, क्योंकि इसकी डिग्री क्या हो गई है, वन, एक्स टू पावर डिग्री वन है, और यहाँ माइनस फाइव है, कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट की डिग्री क्या होती है, जीरो। इसको हम जीरो डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। लेकिन अब डिग्री कम हो गई है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक उसकी डिग्री उसके इक्वल होती है या उससे बड़ी होती है तब तक तो डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही उसकी डिग्री हमारे पास कम हो गई पॉलिनोमियल की, तो वो अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं होगा। अब ये हमारे पास माइनस फाइव क्या बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। और यहाँ हमारे पास थ्री एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, दिस इज द क्वेश्चन। तो देयरफॉर वी विल राइट द रिमाइंडर इज माइनस ऑफ फाइव। तो दीज टू एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल डिवाइड वन पॉलिनोमियल टू द अदर पॉलिनोमियल। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप्स, यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स एंड कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब हम इस डिवाइड का हेल्प करेंगे, इस लॉन्ग डिविजन मैथड का हेल्प करेंगे टू सॉल्व आवर दिस टॉपिक, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने में हेल्प करेंगे। तो आई हैव टेकन द एग्जाम्पल हियर, वी हैव टू फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस ऑफ 23x स्क्वायर प्लस ऑफ 142x माइनस ऑफ 120। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। यू कैन सी दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डेफिनेटली ये क्यूबिक है, स्क्वायर वाली टर्म भी प्रेजेंट है और वन पावर वाली टर्म भी प्रेजेंट है एंड द कॉन्स्टेंट टर्म भी प्रेजेंट है। तो हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हियर वी हैव थ्री स्टेप्स। अब इसके तीन स्टेप्स होंगे, उनको किस तरह से हम फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप्स में वी विल फाइंड द दिस फैक्टर्स ऑफ 120। अब यहां पर आप 120 को देख रहे होंगे, लास्ट कांस्टेंट लास्ट में 120 आपको दिख रहा है। इस 120 के फैक्टर्स को हम फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले क्या लेट कर लिया, px एज अ पॉलिनोमियल। इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने एक पॉलिनोमियल px लेट कर लिया। स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था डिविडेंड को हम px लेट कर लेते, डिवाइजर को gx लेट कर लेते, कोशेंट qx एंड रिमाइंडर को rx हम अज्यूम कर लेते हैं। नाउ जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, हम 120 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो -120 या 120 के फैक्टर अगर हम लिखें तो हमें 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, -1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, -2 से भी, -3 +3 एंड सो ऑन। दे आर सो मेनी फैक्टर्स वी हैव रिटन हियर, तो सम फैक्टर्स वी हैव रिटन हियर। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे। मतलब वही मेथड जो फैक्टर मेथड में हमने किया था कि 1 को 2 को 3 को या -1 -2 -3 जो वैल्यू हमें गिवन थी उन वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर जीरो आ जाता है वो उसका फैक्टर या जीरोस बन जाते थे। तो हमने वही मेथड यूज करना है यहाँ पर। हमने क्या किया इसमें बाई ट्रायल से हमने क्या किया एक्स के लिए 1 ले अपनी तरह से अज्यूम किया हमने। हमने यहाँ पर जितने फैक्टर गिवन थे उसमें से कोई एक फैक्टर हमने +1 ले लिया, +1 हमने यहाँ पहले पुट कर दी, और जहाँ जहाँ हमारे पास x लिखा वहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, 1 स्क्वायर एंड 1। ऑन सिंप्लीफाइंग वी विल गेट आंसर इज 0। अब हमें पता लग गया कि 1 क्या है, इसका जीरोज है, क्योंकि एट 1 पर हमें इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। सो x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरोज ऑफ इट। अब x इक्वल्स टू 1 अगर 0 है तो माइनस, अगर 1 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, बिकॉज x इक्वल्स टू 1 0 है। तो 1 इधर आ गया, ट्रांसपोज करेंगे, x माइनस 1 आ गया और x माइनस 1 उसका फैक्टर बन गया। किसका फैक्टर बन गया, इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर बन गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक द कांस्टेंट हियर एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर्स ऑफ दैट, एंड फ्रॉम दीज अमंग फैक्टर्स वी विल टेक 1 by 1। हमने 1 by 1 कोई ना कोई नंबर को चूज करना है इन फैक्टर में से, और जिस पर वैल्यू 0 आ गई हम वहां से उसके फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। हमने x माइनस 1 उसका फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में हम इसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे, किसको, पॉलिनोमियल। इसी पॉलिनोमियल को हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 1 उसका फैक्टर था और x माइनस 1 से अब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमने सेम वही स्टेप यूज करना है। फर्स्टली हम इसको अरेंज करेंगे इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ, अब आप देख रहे हो इट इज ऑलरेडी अरेंज्ड, देन व्हाट, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स क्यूब लेंगे और इसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स लेंगे, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसका पार्ट हो गया, कोशेंट का पार्ट हो गया, कोशेंट में हम लिख देंगे। अब ये एक्स स्क्वायर को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल राइट हियर एंड साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी कैन सी हियर दिस इज एक्स क्यूब, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, अगेन प्लस माइनस है तो इट विल कैंसल आउट। And now this is negative term, this is positive term, both will subtracted and the answer will be -20। अब -20 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 23 हमारी
लार्जर टर्म है, बड़ी टर्म है, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस ऑफ 120, व्हाट एवर द टर्म्स आर लेफ्ट विल राइट हियर। अब हाईएस्ट टर्म माइनस 22x स्क्वायर, फिर से हमने माइनस 22x स्क्वायर को x से डिवाइड करना है, माइनस 22x आ गया, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिमाइंडर, सॉरी कोशेंट, कोशेंट का पार्ट है, कोशेंट का पार्ट है, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, एंड नाउ विल राइट हियर, रख देंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिया अकॉर्डिंग टू, अब साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे, इन ईच एंड एवरी स्टेप वी हैव टू लर्न दैट वी हैव टू चेंज द साइन आफ्टर ईच स्टेप, एंड नाउ अब यहाँ पर फिर से यू कैन सी माइनस 22x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 22x स्क्वायर बोथ विल कैंसिल आउट, सेम है, अब ये हमारे पास जो टर्म बच गई इसमें से माइनस करेंगे 120 माइनस 120, अब 120x इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म हियर, देन 120x से x को डिवाइड करेंगे 120 आ गया, ये क्वेश्चन का पार्ट बन गया, इससे डिवाइजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, फिर साइन चेंज कर रहे हैं, तो यू कैन सी हियर ईच एंड एवरी डिवीजन वी आर डूइंग द सेम प्रोसीजर, सभी में सेम प्रोसीजर कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 120 और ये 120 कैंसल आउट, बिकॉज हमने पहले कह दिया था x माइनस 1 उसका फैक्टर है, अगर x माइनस 1 उसका फैक्टर है इसका मतलब अगर x माइनस 1 से हम उसको डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ चुका है, x माइनस 1 उसका फैक्टर है। अब हम कह सकते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दिस इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, अकॉर्डिंग टू दिस वी नो दैट दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा, पी एक्स, डिविडेंड कौन सा, पी एक्स कैन रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर इज जीरो, हम लिख दें या ना लिखे नो प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पर दिस पॉलिनोमियल पी एक्स को हमने ब्रेक कर लिया है एक्स माइनस वन एज अ वन फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस ऑफ 120 एज अ सेकंड फैक्टर एंड द रिमाइंडर जीरो हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है, तीसरे स्टेप में हम इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फैक्टर थ्योरम से कोई भी एक मेथड लगाकर इसको हम ब्रेक करेंगे, इसके दो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सी इन द थर्ड स्टेप व्हाट वी विल डू, एक्स के माइनस 22x प्लस ऑफ 120 को हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडलटन स्प्लिटिंग से, मिडलटन स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करेंगे, माइनस 22x कैन रिटन एज माइनस ऑफ 12x माइनस ऑफ 10, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट हाउ टू डू दिस मिडलटन स्प्लिटिंग, तो उस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखो और वहां पर आप ये सीख सकते हो मिडलटन स्प्लिटिंग को कैसे करना होता है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, इसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है माइनस 12 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 10, अब इन दोनों में से वी कैन टेक एक्स एज कॉमन एंड फ्रॉम हियर वी कैन टेक माइनस 10 एज कॉमन, दिस इज एक्स कॉमन माइनस 10 कॉमन, एक्स माइनस 12 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, सो वी कैन राइट दिस एक्स माइनस 12 एंड वॉट एवर द टर्म्स आर लेफ्ट एक्स एंड माइनस ऑफ 10 वी कैन राइट इन द थर्ड इन द सेकेंड ब्रैकेट। नाउ अब ये जो टर्म हमारे पास आई इसके हमने दो वेक्टर बना लिए, x प्लस 1 उसका x माइनस 1 पहले से वेक्टर बन गया, सो द पॉलिनोमियल दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 पहला वेक्टर बनाया था, दो वेक्टर हमने यहां बनाए x माइनस 10 और x माइनस 12, सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज x माइनस 1 x माइनस 10 एंड x माइनस 12, दीज आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल, तो इस तरह की एग्जाम्पल जब भी हमें करनी है तो इट इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स में से करना है, फर्स्ट स्टेप में हमने उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं गिवन कॉन्स्टेंट के, और उस फैक्टर्स में से हम रैंडमली चेक करेंगे किस पर हमें वैल्यू जीरो मिल सकती है और वो हमारा जीरोज बन जाता है और उसको ट्रांसपोज करके हम उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उस फैक्टर से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर हमें जो कोशेंट आ गया उस कोशेंट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह से तीन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 5, दिस पॉलिनोमियल इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू अगेन फैक्टराइज दिस, तो सिंपल फर्स्ट ऑफ वी विल स्टार्ट, अब हमें यहाँ पर किसके फैक्टर चाहिए, कॉन्स्टेंट के फैक्टर चाहिए, कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है माइनस 5 है और माइनस 5 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, माइनस 5 के फैक्टर हमारे पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 आ सकते हैं क्योंकि ये 1 और 5 के टेबल पे ही जा सकता है पॉसिबिलिटी। इसको हमने पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लिया, मतलब डिविडेंड लेट कर लिया, अब हम चेक करेंगे रैंडमली ये किससे कट सकता है, 1 से माइनस 1 से प्लस 5 से माइनस 5 से, चार फैक्टर हम किसी पर चेक करें, मैंने रैंडमली हम किस पर माइनस 1 पर चेक करते हैं, माइनस 1 मैंने यहाँ रखा माइनस 1 टू पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 एंड ऑन सॉल्विंग दिस गिव्स माइनस
9 एंड प्लस 9 आंसर इज 0। तो रैंडमली मैंने चेक किया माइनस 1 पर आंसर क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या, ये हमारा एक जीरोज है माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन इसका जीरोज है, एक्स इक्वल टू माइनस वन इसका मतलब व्हेन वी विल ट्रांसपोज इट द फैक्टर विल बिकम एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन हमने इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर एक्स प्लस वन हमारे पास आ चुका है। अब हमको पता है सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसी फैक्टर से, इस फैक्टर एक्स प्लस वन से हमने किसको डिवाइड करना है, हमने उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, किसको, इस पॉलिनोमियल पी एक्स को, जिसको हमने सेकंड स्टेप कहा था। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड स्टेप, दैट इज एक्स प्लस वन हमारा फैक्टर आ गया और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो फिर अगेन वी विल टेक द हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री टर्म को इस हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स से डिवाइड करेंगे, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन ऑफ एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये कोशेंट का पार्ट बन गया, इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू हैव टू चेक इसे एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब की टर्म आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म आनी चाहिए। अब ये दोनों आपस में कैंसल, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसल हो गए बिकॉज साइन चेंज हो चुका है, साइन चेंज हो गया, अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, माइनस फोर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों माइनस में है, एड हो गए माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन एक्स माइनस ऑफ फाइव। अगेन द हाइएस्ट डिग्री टर्म इज माइनस ऑफ फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, माइनस फोर एक्स आ गया, माइनस फोर एक्स हमारा क्वेश्चन का पार्ट बन गया। अब ये माइनस फोर एक्स को हम इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस तरह से अरेंज कर देंगे, साइन चेंज हो गए, साइन हो गए, अब ये दोनों सेम टर्म थी कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई, नाउ वट इज लेफ्ट, दिस इज माइनस ऑफ फाइव एक्स, माइनस ऑफ फाइव इज लेफ्ट यू। नाउ व्हाट, अगेन माइनस फाइव एक्स को हम एक्स से डिवाइड करेंगे, माइनस फाइव आ गया, माइनस फाइव क्वेश्चन का पार्ट बन गया, माइनस फाइव से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इट गिव्स माइनस फाइव एक्स माइनस ऑफ फाइव। इन सेकंड स्टेप फिर से हमारे साइन चेंज होंगे, अब कैंसिलेशन हो जाएगी, यू कैन सी बोथ द टर्म्स आर सेम, सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, रिमाइंडर इज जीरो। अगेन वी सी हियर रिमाइंडर इज जीरो बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट एक्स प्लस वन क्या है, इस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन एक्स माइनस ऑफ फाइव का क्या है, ये फैक्टर है। सो नाउ देयरफॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स, जो हमारे पास पॉलिनोमियल था पी एक्स, जिसको हम डिविडेंड भी कह रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास जीरो है। तो हमने इसके दो फैक्टर बना लिए, अब तीन फैक्टर हमने चाहिए, तो हमें इस कोशेंट को भी अब मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से ब्रेक करना है। इन थर्ड स्टेप व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट विद द सेम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को हम मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग में हमने फिर से फोर को ब्रेक कर दिया, माइनस फोर कैन बी माइनस फाइव एक्स प्लस ऑफ एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन हो गया और इन दोनों में से भी वन कॉमन हो गया, हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस फाइव एंड वन कॉमन ले लिया एक्स माइनस फाइव, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हमारे पास, हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया और वॉट एवर द लेफ्ट एक्स प्लस वन वी विल राइट इन द वन ब्रैकेट। वी हैव सीन हियर यहाँ पर हमने दो फैक्टर और निकाल दिए हैं और एक फैक्टर हमारा पहले से x प्लस वन आया हुआ है, सो द फैक्टर ऑफ दिस द गिवन पॉलिनोमियल इज x प्लस वन, x माइनस फाइव एंड x प्लस वन। तो दीज आर द थ्री स्टेप्स टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू फाइंड आउट द फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। होप बेटा आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई नो दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, इफ यू विल ट्राई विद माय वीडियो देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, इफ फर्दर यू हैव प्रॉब्लम तो ट्राई टू सॉल्व इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स।